तो आज का शाउट आउट जाता है सचिन भोसले को, एमसी गेमर्स वाईटी को, फिर अनीता पांडे को, फिर गेमिंग साहिल को, फिर समर्पिता मोंडल को, फिर नंदू चौहान, फिर खुशी सिंह, इंचेंटिंग गेमर, राइडर एक्स, फिर बोस, सौरभ गेमिंग, विलेजर 007, ऑल इन वन, संतोष सोनी, राजशेखर दिसले, उसके बाद क्रेजी वाईटी, गेमिंग वर्ल्ड, फिर मोमैन कुमार, फिर एस दुशांत, फिर बैड गेमर्स, फिर मेघना बीजा, फिर देवसी नेगी, गुड्डू सवाईयान, फिर रेजर ब्लेड, बिशु घोष, सत्येंद्र दीक्षित, देवा कुंती, पार्थ नानावर, फिर वेब गेमर, गेमिंग विद यश, वर्ल्ड ऑफ गेम्स क्यू क्यू, फिर डिफरेंट साहिल, कलम मिर्जा, फिर डेंजर गेमिंग, सौरभ गुरमैन, फिर क्लिफर, अपना गेमिंग, फैन क्लब, रेशमा, फिर महेश टी, मिस्टर नोबडी, अल्ट्रा ट्रिगर गेमिंग, प्रो गेमर, गेमिंग हब, फिर ब्रॉन्ज ब्रावलर। तो थैंक यू कमेंट करने के लिए, और नेम लेने में मिस्टेक हुई है तो उसके लिए सॉरी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Few inches later. हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग, आप सबका स्वागत है हमारे माइनक्राफ्ट के एपिसोड में। तो आज हम खेल रहे माइनक्राफ्ट सर्वाइवल आइसलैंड। और एक्चुअली क्या है कि मैं कमेंट पढ़ रहा था और मुझे कमेंट में किसी ने एक कोऑर्डिनेट बताया था और उसने कहा कि वहाँ पे वो होगा, मशरूम बायोम होंगे। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, मैं आपको एक फार्म भी बना के दिखा सकता हूँ, एक मशरूम वाला क्या बोलते हैं, मशरूम काउ का फार्म, जहाँ से आपको अनलिमिटेड लेदर मिलेगा और फूड भी मिलेगा। क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे कि लेदर फार्म बनाओ, तो आप कमेंट में बताना कि आपको वो फार्म चाहिए या नहीं चाहिए। मैं आपको चार फार्म के नाम बोलता हूँ, आप मुझे कमेंट में बताना चार में से आपको कौन सा चाहिए। तो सबसे पहला तो मैंने बता दिया मशरूम वाला, मशरूम काउ फार्म, और दूसरा ऑटोमेटिक नेदर वॉट का फार्म, जो नेदर वॉट होता है पोषण बनाने के काम आता है, तो उसका फार्म, और तीसरा मॉब फार्म 10 लेयर वाला, और चौथा अपना रेड फार्म, मतलब रेड वहाँ पे विलेजर को डाल के फिर रेड करवाएंगे, टोटल में फंड टाइम मिलेगा। और बस ये चार फार्म में से जो भी चाहिए आपको कमेंट में मेरे को बता देना, मैं नेक्स्ट एपिसोड में उनमें से एक बना दूंगा, और ऐसे करके चारों बनाएंगे। बट सबसे पहले आपको कौन सा चाहिए कमेंट में ज़रूर बता देना। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमको बस वही कोऑर्डिनेट पे जाना है जो आपने कमेंट में दिया है, और वो कोऑर्डिनेट पे मशरूम बायोम मिल जाता है तो काफ़ी सही, अब नहीं मिलता तो अब कर नहीं सकते कुछ, लेकिन आई थिंक मिल जाना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आपको याद है तो हमने ये फार्म बनाया था पिछले 2 एपिसोड पहले, तो आज मैं आपको दिखाता हूँ। मैं मतलब ये यहाँ के रेंज से काम नहीं करता, हमको उसके पास ही रहना पड़ता है। तो ये वाला फार्म भी मैंने ऑफलाइन बना दिया था एक, इस पर क्या है कि बोन मिल से शुगर कैन बड़ा होता है और उसको हम फटाफट से मतलब वो ऑटोमेटिक कटाता है, बहुत स्पीड में वर्क करता है, बस बोन मिल चाहिए। तब उससे पहले मैं आपको ये फार्म दिखा देता हूँ कि ये फार्म एक्चुअली कैसे वर्क किया है, काफ़ी सही वर्क किया है। अगर मैं यहाँ पे AFK करूँ, मतलब यहाँ पे बैठे रहूँ बहुत देर तक, तो फिश के मतलब फिश से देख सकते हो मरने की आवाज़ भी आ रही है फिश की। तो दिखाता हूँ मैं आपको कितना है, तो देख सकते हो 3 स्टैक तो हो चुके अब आराम से, और चौथा स्टैक भी भराने आया है, तो काफ़ी सही वर्क करता है। मतलब खाली क्या है कि वो उसको आने में टाइम लगता है, देखो कितना स्लो स्लो आ रहा है, और कुछ कर भी नहीं सकते, कोई और दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। बट काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक वर्क है, देख सकते हो हमारे पास इतने सारे फिश है, और ये वाला फार्म भी काफ़ी अच्छे से वर्क है। यहाँ पे मैंने वो नेदर रैक पर लगाया, शायद नेदर रैक पे दूसरे मॉब स्पॉन नहीं होते हमारे नॉर्मल वर्ल्ड में जो स्पॉन होते, वो तो उन सबको अभी छोड़ते, अभी चलते जो कोऑर्डिनेट पे आपने बताया, बोट से हम सीधे चलेंगे, और बीच में पता नहीं ज़मीन आएगा क्या आएगा, बट वो कोऑर्डिनेट पे मेरे को जाना है, और वहाँ पे मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं, बस मुझे वही बायोम को फाइंड करना है जो कमेंट में आपने बताया। अब वो मिल जाए तो काफ़ी सही, अब नहीं मिले तो कुछ कर नहीं सकते। तो चलिए डायरेक्ट वहाँ पर चलते हैं। तो ये मैंने अपना बोट लगा दिया, बोट पर बैठ के वो कोऑर्डिनेट क्या था, वो कोऑर्डिनेट 225x था और माइनस 1700 शायद था वो जेड कोऑर्डिनेट। तो बस वहीं पे जाना है, और ये हमारा आयरन फार्म जो कि काफ़ी एपिक है, इसका तो मैं हर बार तारीफ करते रहता हूँ। तो चलिए अभी मैं वहाँ पे डायरेक्ट सीधे वहीं पे चलते हैं हम लोग। तो गाइस देख सकते हो मैं बहुत देर से ट्रैवल करके आ रहा था वाटर में, कम से कम 300-400 ब्लॉक दूर आ चुका हूँ, और मुझे यहाँ पे ये क्या बोलते हैं ओशन मॉन्यूमेंट मिला। इसको मैं अभी लूटने नहीं वाला, दूर से चलेंगे क्योंकि वो फटिक दे सकता है, माइनिंग फटिक, तो मतलब बहुत पास है, यहाँ से भी हम इसको कॉन्करेट करके 8 गोल्ड के ब्लॉक आराम से लूट सकते हैं, और स्पॉन्ज रूम भी होता है ना, तो स्पॉन्ज रूम को भी हम आराम से मतलब कलेक्ट कर सकते हैं स्पॉन्ज को, जिससे कि हमारे पास वाटर सुखाने के लिए बहुत सारे स्पॉन्ज आ जाए। तो अभी तो क्या है कि मैं वही कोऑर्डिनेट पर जा रहा हूँ जो बताया था अपने कमेंट में, अब बस देखना यह है कि कोई बीच में ज़मीन आती है या नहीं आती है,
और हाँ मतलब रेड फार्म एक बार बन जाए तो टोटम ऑफ एंडेम की पूरी भरमार पड़ेगी। बट क्या है कि पता नहीं इसमें टोटम ऑफ एंडेम का ज़रूरत क्या होगा, क्योंकि मेरे को तो कोई ज़्यादा काम नहीं पता। और क्या है कि मैं रेड नहीं कराना चाहता क्योंकि आइलैंड मेरा छोटा है ना, तो डायरेक्ट मेरे विलेजर के ऊपर ही स्पॉन हो जाएंगे और विलेजर को मार देंगे। इसीलिए हम मेरे को एक मतलब रेड फार्म की तो ज़रूरत पड़ेगी। और विलेजर के ट्रेडिंग हॉल के भी बहुत कमेंट आ रहे हैं कि विलेजर का ट्रेडिंग हॉल बना, तो सब करेंगे, एक एपिसोड में तो कुछ कर नहीं सकते, बट जल्दी करेंगे। और शायद से ज़मीन, ये ज़मीन है या क्या है देखने दो पहले मेरे को, तो आई थिंक यहाँ पे ज़मीन आ चुका है। ओके हाँ सच में ज़मीन आ गया। तो ये कौन सा, ओके हाँ मैं बहुत पहले यहाँ पे आ चुका हूँ, यहाँ पे अकेशिया का बायोम है, मतलब आगे आ गई है शायद से जहाँ तक मेरे को याद है, तो शायद मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। बहुत सही, अब चलते हैं, मैं थोड़ा आगे और चल लेता हूँ मुझे। ओके देख सकते हो ये अकेशिया का बायोम ही एक्चुअली जहाँ पे मैं बहुत पहले आ चुका हूँ, कन्फर्म हो चुका है। तो चलिए अब शायद ज़मीन के ऊपर से मुझे चल के जाना पड़ेगा, तो चलिए फिर चलते हैं ज़मीन के ऊपर से। गाइस मैं ये पूरा अकेशिया का बायोम ट्रैवल करके आ चुका हूँ, और यहाँ पे मेरे को है ना वो पिलेजर आउटपोस्ट भी मिला था। और देख सकते हो ये काफ़ी सही वाला बायोम है, और यहाँ पे ये फिश थोड़ी सी अलग टाइप की आती है। तो चलिए अब देख सकते हो ये शायद यहाँ पे कोरल क्या नाम है उसका, डेड कोरल वो सब मिलता है, जिससे कि जावा में ड्यूपर बनता है। मैं क्या बोलते हैं उसको, एक मिनट मेरे को नाम याद नहीं, TNT ड्यूपर, बट पॉकेट एडिशन या बेडरॉक में नहीं बन सकता। चलिए कोई नहीं, अब यहाँ से हम डायरेक्ट चलते हैं, और ज़्यादा दूर नहीं है मेरे ख्याल से, हम 600 कोऑर्डिनेट ही दूर है, मतलब 600 ब्लॉक दूर है कोऑर्डिनेट से, मेरे को पता चल रहा है। तो चलिए अभी हमको सीधे जाना। और यहाँ पे ये क्या आ गया, ये डेजर्ट का कोई बायोम आ चुका, ये तो वही बायोम अभी भी चल ही रहा है, पता नहीं कब ख़त्म होगा। अभी देखना मेरे को वहाँ पे पहुँच के देखना ये कि सच में है या नहीं, अगर नहीं हुआ तो हमारा पूरा ट्रैवल करना पूरा मतलब वेस्ट हो जाएगा, फिर पूरा मेहनत वेस्ट हो जाएगा एक्चुअली, सिंपल सा बोलो तो। तो अभी चलते क्योंकि मैं बहुत देर से पानी में चढ़ा और मैं बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ। ओके यहाँ पे मेरे को एक आइस बायोम मिला है, तो बहुत सही मेरे को एक आइस बायोम मिला। और मैं कहाँ पे जा रहा हूँ एक्चुअली, ये वही कोऑर्डिनेट के रास्ते में ही आ रहा है, तो सही है मेरे, ये तीसरा जो है आइस बायोम जो मुझे मिला है। इससे पहले मुझे एक मिला था, और एक मेरे विलेज में, डेजर्ट के विलेज में ही है। और मैं ना वो कोऑर्डिनेट जो मुझे कमेंट में लिखा गया था उससे ना मैं बहुत ही ज़्यादा पास हुआ एक्चुअली, तो शायद से मुश्किल से 250 ब्लॉक दूर होगा। चलिए अगर हमको मिलता है तो काफ़ी सही है, क्योंकि मतलब वहाँ पे हम बना सकते हैं एक बहुत ही कमाल का, वो क्या बोलते हैं उसको, मशरूम बायो, मशरूम काऊ का एक फार्म बना सकते हैं, को वो खाने की कमी नहीं होगी एक्चुअली फिर तो। तो चलिए मैं बहुत पास हूँ, अभी देखते हैं कि कितना और ट्रैवल करके जाना होगा। अभी देख सकते हैं कि मैं 1700 कोऑर्डिनेट पे था, तो मतलब वो कोऑर्डिनेट दिया है, तो एक मिनट देख सकते हैं शायद से ये वही है। ओके देख सकते हैं एकदम मतलब पहुँच चुके हैं, वही है, एकदम सही लिखा था कमेंट में, तो जिसने भी लिखा था उसको बहुत बहुत मतलब थैंक यू। तो चलिए अभी यहाँ पे चलते हैं और बेड वेड निकाल के सोते हैं, क्योंकि मतलब वैसे इस पर मॉब तो स्पॉन नहीं होते, बट सो जाते क्या फ़र्क पड़ता है, डे हो जाएगा तो काफ़ी सही होगा, हमको थोड़ा एक्सप्लोर करने में थोड़ा मज़ा आएगा, डे में दिखेगा अच्छे से। तो चलिए पहले सो लेता हूँ मैं। तो गाइस फाइनली डे तो कर लिया मैंने सो के, और हमें सबसे पहली अपनी मशरूम का मिल चुकी है यहाँ पे सामने। एक्चुअली ये पहली नहीं है, इससे पहले भी मैं कुछ को मार चुका हूँ एक्चुअली, और ये मेरे पास ये लूटिंग 3 का शॉट है, तो मुझे बहुत सारा वो मिला है, बीफ मिलता है शायद इनको मारने पे, और लेदर भी शायद मिलता है। इनको मार के भी चेक कर लेता हूँ, अगर लेदर मिलता हो, मेरे को मिला तो है एक से, ओके मिलता है देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऊपर 30 ब्लॉक ऊपर फार्म बनता है इनका, जिससे कि यहाँ पे स्पॉन होने से पहले ऊपर स्पॉन होते हैं और डायरेक्ट फार्म में स्पॉन होंगे। तो आप बताना कमेंट में आपको चाहिए इनका मशरूम का होगा फार्म, पता नहीं आपको मशरूम बायोम मिला होगा या नहीं, अगर मिला होगा तो आप इनका फार्म बना सकते हो, बहुत ही स्पीड में वर्क करता है, क्योंकि ये वाले बायोम पे और कोई मॉब स्पॉन होते हैं या नहीं, खाली यही होते हैं, इसीलिए वो फार्म बहुत ही स्पीड में वर्क करता है, भले वो जावा में हो या पॉकेट एडिशन में। तो आप कमेंट में बताना, देख सकते हो हमको मिल चुका है। और ये माइसेलियम है, यहाँ से मैं बहुत सारे माइसेलियम कलेक्ट करके ले जा सकता हूँ और अपना खुद का मशरूम बायोम बना सकता हूँ। तो कमेंट में बताना आपको देखना है या नहीं देखना, मतलब मैं खुद का मशरूम बायोम बनाऊँ या ना बनाऊँ, और यहाँ से मैं इनको लेके जा सकता हूँ अपने दूसरे वर्ल्ड में, तो लेके नहीं गया हूँ बट यहाँ पे लेके जा सकता हूँ इसमें सर्वाइवर आइसलैंड में। और चलिए थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ये ज़्यादा बड़ा तो होता नहीं, आई थिंक एक छोटू मोटू आइलैंड होता है, 2-3 आइलैंड कंबाइंड में चिपके होते हैं। तो मैं देखूँ ज़रा, जैसा कि मैंने सोचा था ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, और वो भी वो शायद लास्ट होगा, तो एक मिनट चेक करते पहले। और मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत को मारे भी है, तो चलिए कोई नहीं, देखते कि शायद यहाँ पे ये लास्ट होगा आई थिंक। यहाँ पे भी काउ स्पॉन हो रही, ये जो नॉर्मल ब्लॉक होते इस पर मॉब स्पॉन हो जाते, बट ये माइसेलियम पे नहीं स्पॉन होते। और ये जूम वाले का भी अपना फ़ायदा है, मतलब जावा में इसलिए तो ऑप्टिकल जूम बहुत ही ज़्यादा फेमस है,
जूम करके देख सकते हो, इससे भी ज़्यादा जूम कर सकते हो एक्चुअली जावा में, बट क्या है कि जितना है पॉकेट एडिशन उतने में काम चलाना है। तो ओके, यहाँ पे बारिश भी होता है तो चलो कोई नहीं, अभी हमने इतने मेहनत से इसको ढूंढ लिया है, बहुत सही। अभी आप कमेंट में बताना कि आपको फार्म चाहिए नहीं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नए माइनक्राफ्ट के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।